तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, वी हैव द फर्स्ट वेक्टर, वेक्टर नंबर वन, इट इज मल्टीप्लाइड विद वेक्टर नंबर टू, और जो आंसर हमको मिलेगा, इसका जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा, दैट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर प्रोडक्ट नाम क्यों रखा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज गिविंग मी अ वेक्टर क्वांटिटी। क्रॉस प्रोडक्ट नाम क्यों है, क्योंकि यहां पर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस क्रॉस। नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये अब सॉल्व कैसे होगा, इसको कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे इसका फॉर्मूला निकालेंगे, क्या इसका डेफिनेशन होगा। सो वी आर टेकिंग टू वेक्टर्स एंड नाउ दीज टू वेक्टर्स आर इन दिस प्लेन, मतलब ये इफेक्टिवली ऐसा है, ठीक है। सो ये आपने एक प्लेन ले लिया एंड दीज आर माई टू वेक्टर्स, लेट अस से पी बार क्यू बार। अब इसी को हम लोग फिर से एक और प्लेन में बनाते हैं। See, this is the plane that we are talking about. ठीक है, उसको इस हिसाब से देखना कि it is in the plane. इस पर P bar इधर है, Q bar इधर, angle theta, angle theta. So students, इसका magnitude and direction दो चीज रहेगा। We are supposed to calculate two things. One is the magnitude, second is the direction. So magnitude कैसे निकालेंगे, देखिए magnitude is found by, आपके पास है p bar cross q bar, the magnitude part, magnitude is p q sine theta, sine of the smaller angle, so it is p q sine theta. बट इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। डायरेक्शन क्यों जरूरी है, क्योंकि ये तो वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के पास ये दोनों चीज होना चाहिए, एक मैग्नीट्यूड दूसरा डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन है वी रिप्रेजेंटेड बाय सम यूनिट वेक्टर, एंड हाउ डू वी गेट दिस वेक्टर, दिस इज फाउंड बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल। तो लेट्स कम टू द मैग्नीट्यूड वाला पार्ट एंड लेट अस कम टू द डायरेक्शन वाला पार्ट। तो अगर मैं कर रहा हूं पी क्यू, पी से क्यू आना है मुझे राइट हैंड, तो पहले अपना राइट हैंड ले लीजिए, first vector is p, so I will start from p and I will come towards q, so I am starting from p and I am coming towards q, mera thumb kidhar hai dekho, mera thumb hai niche ki taraf, to iska jo vector aapko milega, this is going to be p bar cross q bar, to iska magnitude kaise nikaloge, pq sin theta. Where is the direction? So this is the direction that we are talking about. Direction is downwards. Kiski madad se mila? Right hand thumb rule ki madad se mila. Yahan par dekhiye. Ab P aur Q maine interchange kar diya. So P hum log idhar hai. We are moving towards Q. So we are at P and we are going towards Q. So dekho, aap P pe the, aap Q ki taraf gaye. थंब किधर जा रहा है, थंब इज गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सो इस केस में दिस बिकम्स योर पी बार क्रॉस क्यू बार। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अपने को यह समझ में आता है कि पी बार क्रॉस क्यू बार इधर कहां पर है, नीचे, इधर पी बार क्रॉस क्यू बार कहां पर है, ऊपर। तो क्या ये दोनों वेक्टर्स सेम है, क्या ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है, यस नो, इज दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर इक्वल, नो नो, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बट एक वेक्टर इक्वल तभी हो सकता है जब उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों सेम होगा, तभी
वेक्टर इक्वल हो सकता है. प्लीज रिमेंबर, वेक्टर के पास दो चीज, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन. यहां पर आप बोलोगे सर मैग्नीट्यूड तो दोनों सेम ही आएगा. यस, पी क्यू साइन थीटा ही आएगा दोनों बार, पर डायरेक्शन वाइज एक ऊपर जा रहा है, दूसरा वाला नीचे आ रहा है. सो हियर पी बार क्रॉस क्यू बार इज नॉट इक्वल टू क्यू बार क्रॉस पी बार. तो हमने इधर एक साथ में दो पॉइंट कर दिया. क्या क्या आपने यहां पे खत्म कर दिया? डेफिनेशन खत्म कर दिया, आपको भी यहां से डेफिनेशन भी मिल जाएगा, और आपने कॉम्यूटेटिव वाला पॉइंट भी कवर कर लिया. तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है, प्लीज रिमेंबर, इट डज नॉट शो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव. अब इसका डेफिनेशन कैसे लिखोगे? सो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ थर्ड वेक्टर, तो इट इज अ थर्ड वेक्टर. अब क्योंकि वेक्टर है तो उसके पास दो चीज है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हुज मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय. तो मैग्नीट्यूड कैसे दिया है आपने? तो मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स विद द, ये देखो पी क्यू हो गया, विद द, विद व्हाट? विद द साइन एंगल बिटवीन देम. तो जो आपके पास है उसी को एक्चुअली आपको वर्ड्स में लिखना है. ये हो गया मैग्नीट्यूड. अब बचा डायरेक्शन, तो उसका डायरेक्शन कैसे देंगे? एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय विच रूल? बाय द राइट हैंड थंब रूल और द राइट हैंड स्क्रू रूल. तो राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल. अब डेफिनेशन आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, वो आप सेम टू सेम याद कर लेना. दिस इज फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट एवर यू हैव ड्रॉन. इसी वर्ड्स में होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है. दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश दैट यू कैन राइट. मैं बहुत बार स्टूडेंट देखता हूं, आप याद करने में इतना ये हो जाते हो कि आपको लगता है कि अरे मेरे को याद नहीं हुआ. आपको याद एज सच कुछ नहीं करना है, आपके पास जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट को आपको वर्ड्स में लिखना है. दैट्स ऑल दैट इज रिक्वायर्ड इन द एग्जामिनेशन. सो देखिए यहां पर मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास में मैग्नीट्यूड आ गया, मेरे को डायरेक्शन आ गया, डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल. अब अगर आपका वेक्टर, ये देखिए यहां पर हमने इस प्लेन में लिया था, सपोजिंग आप ये प्लेन लेते कि इधर दो वेक्टर्स है, तो यहां से इधर जा रहा है पी क्रॉस क्यू, तो मेरा थंब इधर, उल्टा आ रहा है पी क्रॉस क्यू इधर से इधर, तो थंब इधर. सो डिपेंडिंग ऑन कौन से प्लेन में वेक्टर है, आपका थंब का डायरेक्शन डिसाइड हो जाएगा. आपको ये स्टार्ट कहां से करना है, जो फर्स्ट नाम लिखा है वो पी क्रॉस क्यू. सो यू विल स्टार्ट फ्रॉम पी फर्स्ट एंड देन यू विल कम टू क्यू. अगर आप लिखते हो क्यू क्रॉस पी, ये देखो क्यू क्रॉस पी, तो दैट मीन्स आई विल स्टार्ट फ्रॉम क्यू एंड आई विल कम टूवर्ड्स पी. सो क्यू क्रॉस पी इधर आया आंसर, पी क्रॉस क्यू ये गया आंसर. सो दे आर नॉट द सेम, अनलाइक द डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट में क्या हुआ था हमारे साथ, P dot Q and Q dot P दोनों अपने को सेम मिला था. तो डिस्टिंग्विशिंग फीचर, तो when you write them together, dot product में P dot Q या P bar dot Q bar is what? PQ cos theta. यहां पर P cross Q, magnitude is given by PQ sin theta, direction given by the right hand rule.
या चाहो तो इसको भी तोड़ सकते हो, वहां पर नो डायरेक्शन, यहां पर डायरेक्शन इज अवेलेबल या डायरेक्शन इज पॉसिबल गिवन बाय द राइट हैंड रूल. वहां पे डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू डू टू आंसर्स टुगेदर, उसके रिविजन के साथ साथ ये करने की कोशिश कर रहे हैं. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में अपने को मालूम है इट इज ओनली ओपनिंग अप ऑफ द ब्रैकेट. तो आपको पहला टर्म मिलेगा p क्रॉस q प्लस दूसरा टर्म मिलेगा p क्रॉस r. अगर ये माइनस साइन होगा तो इधर भी माइनस साइन मिलेगा. तो दिस इज अपना सिंपल ओपनिंग अप ऑफ द ब्रैकेट. तो ये आपके डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट में नहीं आना चाहिए. क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डॉट प्रोडक्ट में भी ओबे हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपका क्रॉस प्रोडक्ट में भी ओबे हो रहा है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव पी क्रॉस क्यू. दिस इज पी क्यू साइन थीटा. तीन केसेस, थीटा जीरो. थीटा जीरो मतलब वेक्टर्स आर पैरेलल. सेकंड केस, थीटा इज 90 डिग्रीज. थीटा 90 का मतलब हो गया वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर. थर्ड केस, थीटा 180. थीटा 180 मतलब द वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल. तो वो आपको वर्ड्स में भी दे सकता है, आपको एंगल आइडेंटिफाई करना पड़ सकता है, या डायरेक्टली आपको एंगल मेंशन करके दे देगा. तो आप यूटिलाइज करके ये फॉर्मूले को आंसर निकालें. सो नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज साइन जीरो? साइन जीरो इज जीरो. साइन 180, दिस इज ऑल्सो जीरो. एंड साइन 90 इज 1. बस तो फिर क्या है, अप्लाई कर दीजिए यहां पे p क्रॉस q. सो p q साइन जीरो, साइन जीरो इज जीरो. तो यहां पे आपको p क्रॉस q का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड मिल जाएगा जीरो. यहां पर p क्रॉस q का जो मैग्नीट्यूड है तो आपको मिलेगा पी क्यू. यहां पर पी क्रॉस क्यू का जो मैग्नीट्यूड है फिर से कितना मिलेगा? जीरो. तो अगेन यू कैन हैव दिस एज द डिस्टिंग्विशिंग फीचर. आप इसको तीन अलग अलग पॉइंट्स लेके कर सकते हो. पी बार डॉट क्यू बार व्हेन द टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर डॉट प्रोडक्ट p बार डॉट q बार इज इक्वल टू पी क्यू आता है वहां पे, क्योंकि cos 0 इज 1, cos 90 जीरो हो जाता है एंड cos 180 इज माइनस 1. तो ये देखो आपको तीनों बार अलग अलग आंसर्स मिलेंगे. तो ये आपके तीन अलग अलग डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स बना सकते हो आप. स्टूडेंट्स, आई हैव सीन सम स्कूल्स और सम कॉलेजेस आस्किंग 6 पॉइंट्स लिखो, 8 पॉइंट्स लिखो. जनरली द ट्रेंड इज, देखो सीबीएसई में कैसा होता था आपके पास, एक पॉइंट एक मार्क. स्टेट बोर्ड में आप ऐसा समझ लो एक पॉइंट इज आधा मार्क. दोनों का एक पॉइंट जब आप लिखते हो दैट इज हाफ मार्क. सो व्हेन दे से दो मार्क का आंसर, इट इंप्लाइज कि तीन या चार पॉइंट्स होना ही चाहिए, कम से कम तीन एंड इफ पॉसिबल 4 पॉइंट्स. तीन मार्क का आंसर मतलब 6 पॉइंट, चार मार्क का आंसर मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग 8 पॉइंट्स. तो दिस इज हाउ यू विल बी जेनरेटिंग योर पॉइंट्स. यस, बोलिए, ये समझ में आया सबको? इसका आंसर देना बहुत इजी हो जाना चाहिए. व्हेन वी से पी क्रॉस पी या क्यू क्रॉस क्यू, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम वेक्टर. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट two same vectors which are along the same straight line or vectors which are equal,
इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल जीरो है, और अगर उनके बीच में एंगल जीरो है, साइन जीरो इज जीरो, इसका आंसर जीरो, इसका भी आंसर जीरो, तो आपको आंसर मिल गया जीरो। तो यहां पर आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, योर आंसर इज हाउ मच, जीरो। सो अगेन दीज आर पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन, ये आपके डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स में आएगा। पी डॉट पी, क्यू डॉट क्यू, पी डॉट पी वॉज पी स्क्वेयर, पी क्रॉस पी इज जीरो, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, द आंसर वॉज वन, यहां पर द आंसर इज जीरो। हाँ, अब इतना मत करना कि इसको आप तीन अलग अलग पॉइंट मत लिख देना कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, तो वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ये एक साथ में आप लिख सकते हो, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, जीरो, एंड देयर आई डॉट आई, जे डॉट जे, एंड के डॉट के, तीनों का आंसर वन। सो हियर वंस अगेन वी हैव जनरेटेड टू मोर डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स। अब जो हम करने जा रहे हैं, बहुत अच्छे से ध्यान देना, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। व्हेन दीज आर सेम फाइन, बट व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो नेक्स्ट इज आई क्रॉस जे, तब मेरा आंसर क्या होगा, जे क्रॉस आई, इस पे मेरा आंसर क्या होगा, जे क्रॉस के, के क्रॉस जे, आई के, के आई। स्टूडेंट्स एंड प्लीज बिलीव मी, यू कैन आस्क योर सीनियर्स आल्सो, बहुत सारे बच्चे लोग इसको सिर्फ रट लेते हैं, थोड़ा टाइम दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, नहीं जब समझ आता तो उसको रट लेते हैं, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा, विच एज साइंस स्टूडेंट्स आई थिंक अपने को करना भी चाहिए। तो लेट अस जस्ट क्विकली ड्रॉ दिस। तो अपने पास होता है एक्स एक्सिस, ये आई कैप हो गया, अपने पास होता है y एक्सिस, ये j कैप हो गया, z एक्सिस एक्चुअली बाहर आता है, which we cannot draw outside, तो हम उसको कैसे बनाते हैं, z एक्सिस हम लोग ऐसे बनाते, this is z एक्सिस which is k कैप। अब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, आंसर निकालेंगे, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड द ट्रिक बिहाइंड इट, कि यार क्या ट्रिक है जिससे हम लोग आंसर एकदम एक झटके में लिख सकते। तो I क्रॉस J, ये देखिए मैं I से स्टार्ट कर रहा हूं, J की तरफ जा रहा हूं, मेरा थंब बाहर आ रहा है, मतलब Z एक्सिस पे आ रहा है, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, द आंसर इज K। अब दूसरा देखिए, J क्रॉस I, आप J पे हो, आपको I की तरफ जाना है, आपका थंब इनसाइड इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड इस केस में, so it is minus z axis, negative z axis हो गया, so it is going to be minus k। अब अगला देखिए, j cross k, j मैं किधर हूं, j y axis, I am coming towards the z axis, k मतलब z axis, so y से z, देखो thumb x की तरफ है, क्या आंसर आ गया, अगर मैं उल्टा जाऊं z से y, तो I am z axis, starting from z axis we are going to y axis, so this is minus i। आप भी अपने बुक में बना के अपने हाथ से कीजिए, अपनी मेहनत खुद कीजिए भाई, ठीक है। यहां पर देखो i to k, so I am coming from i towards k, i से यानी x से z की तरफ, i से k, थंब मेरा आ गया नीचे, तो दिस इज माइनस j कैप, k से i, सो वी आर गोइंग फ्रॉम z एक्सिस
टूवर्ड्स द एक्स एक्सिस, तो वी आर जेड एक्सिस, जेड से हम जा रहे हैं एक्स की तरफ, थंब गया ऊपर, तो आई एम गेटिंग प्लस जे क्या। तो अब एक सबसे सिंपल तरीका तो ये हो गया, आई जे, आपके पास तीन टर्म है आई जे के, जो दो दिख रहे हैं वो आप एक साथ है, तो जो नहीं दिख रहा है वो आंसर है, तो आई जे है आंसर, क्या हो गया के, जे के, क्या नहीं दिखा आई, लिख दो आई, आई के, क्या नहीं दिख रहा है जे, लिख दो जे। चलो टर्म तो समझ में आ गया, अब अगला चीज है प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं, तो इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना चाहिए, वो है सीक्वेंस। एबीसीडी जब आप बोलते हो आई जे के, ये सीक्वेंस में आता है। सो इफ यू आर गोइंग इन द सीक्वेंस पॉजिटिव, अगर आप सीक्वेंस के रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस साइन, ध्यान दीजिएगा। आई से जे, ये तो सीक्वेंस है, करेक्ट सीक्वेंस है, आई टू जे, तो आंसर क्या, जो नहीं दिख रहा है वो, क्या नहीं दिख रहा है के, प्लस लिखू की माइनस, ये तो सीक्वेंस में है, प्लस साइन। जैसे ही मेरे पास आया जे टू आई, जे से आई, आई और जे दो दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है के, मैंने के तो लिख दिया, अब साइन डिसाइड करना है, प्लस लिखूं कि माइनस, आई के बाद जे आता है, जे के बाद आई नहीं आता, ये उल्टा सीक्वेंस होगा, तो इफ दिस इज उल्टा पुट अ माइनस साइन। ये देखिए जे के, जे टू के इज पॉजिटिव, जे टू के इज पॉजिटिव, यानी सीक्वेंस, सो जे टू के विल बी पॉजिटिव, के टू जे इज उल्टा, करेक्ट, या आपका रिवर्स सीक्वेंस हो गया, माइनस साइन। अब आई के, आप बोलोगे सर आई के ये तो सीक्वेंस में है, नहीं नहीं, ये आपका आई से जे, जे से के टू आई, फिर से आई से जे, जे टू के टू आई, सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस, के बाद आई आना चाहिए, फिर ये एक साइकिल है, लूप है, तो के बाद जब आई आएगा तो आपका करेक्ट सीक्वेंस है, इसलिए इधर पॉजिटिव, आई के बाद के, मतलब एक्चुअली उल्टा सीक्वेंस में जा रहे हो, इसीलिए आपके पास आता है माइनस जे।